तो दोस्तों, अगर आप ओप्पो रेनो 2 यूज़ करते हो तो रेनो 2 में सेकेंड बैच के लिए कलरओएस 7 के साथ एंड्रॉयड 10 वाला ट्रायल वर्सन रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक कोटा 2000 यूज़र यूज सेट तो फास्ट बैच में 2000 यूज़र के लिए दिया था। तो अभी फिर से एक नया ट्रायल वर्सन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो आप चाहे तो यहाँ पर मैनुअली ट्रायल वर्सन के अप्लाई करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो आपका लेटेस्ट वर्सन है CPH1907PUEX_11E.26, तो E.26 जो वर्सन है उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी का वर्सन यहाँ पर E.28 होगा, मतलब E.26 से ऊपर है E.28, लेकिन उनको अभी ये अपडेट नहीं मिलेगा। ये अपडेट सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो लोगों के पास ऑलरेडी E.26 अपडेट आया है, और E.28 के लिए नेक्स्ट बैच में उनका मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, वहाँ पे जाके ट्रायल वर्सन ऑप्शन मिलेगा। ट्रायल वर्सन ऑप्शन मिलने के बाद अप्लाई नाउ करना है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को आपको टिक मारना है। उसके बाद संग संग आपको अपडेट मिल जाएगा, फिर आपका फ़ोन कलरओएस 7 के साथ एंड्रॉयड 10 में यहाँ पर अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, कलरओएस 7 और एंड्रॉयड 10 अभी ट्रायल वर्सन में चल रहा था, इसमें बहुत सारे बग्स हो सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत उठा सकते हो। तो ये सारी चीज़ अगर देखते हो या फिर भी अगर आप चाहो तो मैनुअली अप्लाई करके यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो कलरओएस 7 एंड्रॉयड 10। यहाँ पर कलरओएस 7 एंड्रॉयड 10 में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिलेगा जो कि बहुत ही बेहतर है। तो जिन लोगों के पास E.26 है वो अप्लाई करो, और E.28 वालों अप्लाई करने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा, ये मैं पहले आपको बता दिया हूँ, और ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। तो जल्दी करो, अगर आप E.26 में ऑलरेडी यूज़ करते हो और एंड्रॉयड 10 के साथ कलरओएस 7 का मजा ले सकते हो अर्ली एक्सेस, तो आप चाहे तो कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था कलरओएस 7 एंड्रॉयड 10 के अपडेट रेनो 2 मोबाइल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ देगा। तो दोस्तों, इतना ही, बाय।